हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रमोद सिंह आप सभी का आपके चैनल P3 म्यूजिक पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हीरो मूवी का जो थीम म्यूजिक है, हीरो ट्यून, जो कि मूवी में बहुत बार यूज किया गया, वो अपने पियानो पर सीखेंगे। जैकी श्रॉफ जी ने अपने बांसुरी से ये ट्यून बजाया था इस मूवी में, ठीक है ना? और बहुत ही फेमस हुआ था, और जैकी श्रॉफ भी इसी के वजह से बहुत फेमस हुए थे। अगर आप लोगों को पता होगा था कि वो सुपरस्टार हीरो मूवी से ही बने थे, ठीक है ना? तो चलिए सीख लेते हैं आज हम लोग हीरो ट्यून अपने पियानो पर। और अगर आप हमारे चैनल P3 म्यूजिक पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे और हम मोटिवेट होते रहें। सिर्फ दो लाइनें सीखनी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नोटेशंस के साथ सिखाते जाऊंगा। नोटेशंस आपके आपको स्क्रीन पे दिखते रहेंगे, और आपको सिखाते सिखाते आप सीख जाइएगा, ठीक है ना? बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, और बिगिनर्स के लिए तो बहुत अच्छा लेसन है। अगर वो लोग ये ट्यून सीखते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि वो भी बजा सकते हैं, ठीक है ना? और ये ऐसा ट्यून है जिसको कोई भी गाना, भजन हो या बॉलीवुड का मूवी हो, उसके बीच में आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं। पहला लाइन पहले मैं बजा के दिखाता हूं और फिर हम लोग इसका नोटेशन देखेंगे। देखिए कैसे बजेगा। ठीक है, तो क्या नोटेशन यूज किया? सी शार्प, जी शार्प, ए शार्प, जी शार्प, ए शार्प, जी शार्प, ई, सी शार्प। उसके बाद ई, ई पे आके थोड़ा पॉज लेना है, और उसके बाद डी शार्प, सी शार्प। ठीक है, धीरे धीरे मैं बताऊंगा, देखिए कैसे बजेगा, सीखिए। एक बार फिर से देखिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये पहला लाइन हो गया। और दूसरे लाइन में क्या होता है? ठीक है ना, उसमें ई पे रुक जाते हैं दूसरा लाइन में, ठीक है ना? और बाकी सब सेम रहेगा, आगे का ये वाला पार्ट नहीं बजाते, ई पे ही रुक जाते हैं, ठीक है ना? तो नोटेशन से आपको देख रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना? और इसके बाद आता है, देखिए कैसे बजे। ठीक है, इसको सीखिए पार्ट बाय पार्ट। पहले ये आता है, तो ई, ई, डी शार्प, उसके बाद जी, जी शार्प, ए शार्प, उसके बाद क्या आता है? ए शार्प, सी शार्प, बी। ठीक है, उसके बाद आता है ए शार्प, जी, और उसके बाद आता है एफ शार्प, ई, डी शार्प, सी शार्प। आप लोग एफ शार्प छोड़ भी सकते हैं, मैंने कंटिन्यूएशन के लिए लिया है, ठीक है ना? लास्ट में आप लोग ऐसे भी बजा सकते हैं, या ऐसे बजे, मैंने कंटिन्यूएशन के लिए एफ शार्प ले लिया है हल्का सा, नहीं तो आप लोग एफ शार्प को छोड़ के सिर्फ ई ले सकते हैं, ठीक है ना? मैं एफ शार्प को छोड़ के देखिए कैसे बजेगा। ना ऐसे भी बजा सकते हैं। एक बार फिर से मैं एफ को लेके बजाता हूं, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद सेम आ जाएगा। ठीक
ये हम लोग का पूरा ट्यून रेडी हो गया, ठीक है ना। मैं एक बार सिंगल फिंगर से फिर से आपको दोनों लाइन सिखाता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन देखिए, और दूसरा वाला लाइन, बस प्रैक्टिस कीजिए, नोटेशंस आपके पास है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल के अच्छे से सीखा होगा और आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये ट्यून आपको कैसा लगता है और कब आप लोगों ने ये ट्यून सुना था, ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में एक रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन भी होगा, उसको जरूर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। उससे आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी और हम मोटिवेट होते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।